हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए छोटे छोटे किचन टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ, जिससे कि मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा और अपने लिए समय की भी बचत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं जिसे करने में मुश्किल होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला टिप्स है पनीर से लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर हम थोड़ा सा पनीर रख देते हैं कि कभी कभी कुछ बनाने में बच्चा का लंच देने में काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लंच बनाने जा रहे हैं, तो देखिए हम क्या बनाएंगे। हमारे चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फ्रेंड्स, तो बस हमें पहले पनीर को इस तरीके से कस करना है। ग्राइंडर लेना है और इसे कस कर लेना है। फ्रेंड्स, कस करने के बाद देखिए कितना ये अच्छा से कस, बहुत अच्छे से ये कस हो जाता है। और उसके बाद हम इसे बनाते हैं पराठा पनीर। कस करने के लिए हम पराठा पनीर बनाने के लिए कस करते हैं। पराठा पनीर बनाते हैं और आप देखते होंगे उसमें पानी छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या करें जिससे कि पानी नहीं छोड़ेगा और ये भरने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। तो बस पहले तो इसे करना क्या है, कस कर लेना है। कस करने के बाद आपको जो भी मसाला इसमें आप मिलाना चाहते हैं, अब बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फ्रेंड्स हल्के हल्के मसाला ही इसमें डालना है, और बड़ा खाते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है। तो बस यहाँ पे हम जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, धनिया का पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। और एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम डाले हैं तेल। और हाँ, जब इसे मिक्स करेंगे ना तो नमक अभी मत डालें फ्रेंड्स। नमक आप जब भी पराठा बनाने समय ही इसमें नमक डालें, इससे आपके पनीर में पानी नहीं छोड़ेगा। अगला है इस तरीके स्टेबली से लेकर। तो फ्रेंड्स, हम इसे यूज करने वाले हैं इस तरीके से। पहले साइड साइड कट कर लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा परफ्यूम इस पे डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और यूज कहाँ पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से चार टुकड़े किए हैं तो आप इसे दो टुकड़े भी कर सकते हैं, जितना भी आपका काम है। अब कहीं से आप देखे होंगे बारिश में बेड इसमें लाता है तो बस वहां पे आप रख देते हैं ना इस तरीके से चिपका कर, तो ये चिपक जाता है और बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आते रहता है। अगला है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जब भी घी बनाते हैं ना तो एक शिकायत होता ही है, जब भी हम घी बनाते हैं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आता है और फिर जो है दानेदार घी नहीं बनता है। तो बस आप एक काम जरूर करें, जब भी आप इस तरीके से घी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आप उसमें एक चीज डालेंगे ना तो आपका घी जो है दानेदार बनेगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छा आएगा। तो उसमें आपको डालना है एक पान का पत्ता, ताजा है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर सूखा हुआ भी तो भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका घी जो है कलर बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू आएगा, उसके बाद जो है ये दानेदार घी बनेगा फ्रेंड्स। अगला है इस तरीके से डब्बे से लेकर। अब खाली डब्बे हमारे घर पे इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स, तो हम इसे यूज में किस तरीके से लेंगे, तो ये छोटा डब्बा हमें बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या किए, अब इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट होते हैं मसाले का या फिर इस तरीके से सॉस का, तो हम मसाले अब आधे यूज में लेते हैं, आधे इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स हमें करें क्या, इस डब्बे में ही हम सारे जितने छोटे छोटे पैकेट है वो सब हम इसमें डाल देंगे और फिर इसमें फ्रिज में रख देंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा भी लगेगा और हमारा यूज में भी आ गया है। अब बारिश में इस तरीके से लाइट कभी कभी खराब हो जाता है और ये मेरा लाइट खराब ही हो गया था फ्रेंड्स। हम सोच रहे थे अब दूसरा ही लेना है, फिर हम सोचे क्यों ना ये ट्राई करते हैं, शायद हमारे लाइटर ठीक हो जाए। तो बस करना क्या है, अब इस तरीके से लाइटर जो है, कभी कभी आपका इस तरीके से लाइटर नहीं चलने लगे तो फ्रेंड्स आपको करना है, जब भी आप खाना बनाते हैं बर्नल इस तरीके से गर्म रहता है ये, आप उस पे रख दें, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं, हम बार बार इसे यूज में लेते हैं और पानी इसमें चला जाता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारा लाइट चलना बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। तो आप इस तरीके से चूल्हे पे रख देंगे ना, हल्का सा गर्म रहेगा उस समय, तो
इसका जितने भी अंदर का नमी है वो सारे खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये काम भी करने लगेगा। तो फ्रेंड्स हम तो चौंक ही गए, हम सोच रहे थे अब ये खराब हो गया है इसे अब हमें दूसरा लेना है इसके जगह। तो हम जब भी इस तरीके से ट्राई किए तो ये बहुत ही अच्छे से जलना स्टार्ट हो गया। अगला है फ्रेंड्स चावल से लेकर, अब ये चावल हम खाना बनाने के लिए यूज में लेते ही हैं और सभी के घर में बनता ही है। तो बस हमें करना क्या है, चावल जब भी आप इस तरीके से लेते हैं तो इसे साफ पानी से धो ले, क्योंकि बाहर का चावल होता है ना। तो इससे हम दो टिप्स बताएंगे फ्रेंड्स। बाहर का चावल है तो आप देखे होंगे पाउडर, इसमें आप धोते हैं तो पाउडर भी निकलता है इससे, है ना। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, दो एक पानी धोएं उसको फेंक दें, दूसरा पानी लेकर इस तरीके से कटोरी में रख लें। अब ये कटोरी में पानी रखे हैं फ्रेंड्स, अब एक दूसरा कटोरी लेना है उसमें डिटर्जेंट लेना है। अब ये थोड़ा सा डिटर्जेंट लिए हैं, एक चम्मच कोई सा भी डिटर्जेंट आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये डिटर्जेंट यहाँ पे कटोरी में लिए हैं, उसके बाद हमें इसमें लेना है फ्रेंड्स मीठा सोडा लेना है, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। बस हमें एक या दो चम्मच लेना है, आपका ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, दो चम्मच लेना ही है। उसके बाद हमें एक चम्मच नमक लेना है, इस दोनों को मिक्स कर लिए हैं। अब जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो फ्रेंड्स कभी कभी होता है कपड़ा साफ नहीं होता है, कितने लोग कहते हैं मशीन में डालने से जल्दी साफ कपड़ा नहीं होता है, व्हाइट कपड़ा या फिर कोई कपड़ा। तो आप ये चावल का पानी और ये जो हम मिलाकर डाले हैं ये सब आप डाल देंगे ना, तो आपका कितना गंदा कपड़ा क्यों ना हो फ्रेंड्स, आपका कपड़ा जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताना। और हाँ, हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताना फ्रेंड्स। अगला है दूध से लेकर, अब गर्मी बारिश का सीजन है फ्रेंड्स, अब दूध इस तरीके से गर्म कर रख देते हैं, उसके बाद इसका दूध का जो टेस्ट है कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि बार बार नहीं गर्म कर पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं और हर घर में फ्रिज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप क्या करें, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है उनको बहुत ही दिक्कत होता है फ्रेंड्स, बार बार हमें दूध को गर्म भी करना पड़ता है, फिर भी ज्यादा गर्मी के कारण हमारे दूध का टेस्ट अलग हो जाता है। तो बस आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आप दो इलायची डाल दें, बिल्कुल भी आपका दूध नहीं फटेगा और टेस्ट भी नहीं चेंज होगा। तो आई हो आज का वीडियो आप लोग को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। मिलती हूँ कल का वीडियो में, तब तक के लिए बाय।